इस वाले ट्रिक से आप 2 से 3 सेकंड में प्लेन से नीचे उतर सकते हो। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे प्लेन में आते हो अनफॉलो वाले आइकन पे क्लिक करो, देन आपके पास जंप और फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा, दोनों को एक साथ प्रेस करो और भाई आप 10 गुना स्पीड से प्लेन से नीचे उतर सकते हो। मतलब कि भाई आप 1-2 सेकंड में सीधा प्लेन से नीचे आ जाओगे। ट्रिक काफी मस्त है, ट्राई कर लेना। ट्रिक नंबर 9, भाई काफी लोगों का ये फेवरेट ट्रिक है एंड बहुत ही मस्त ट्रिक है। तो सिंपली इसे करने के लिए आपको इस डिब्बे वाले आइकन पे आना है, देन सप्लाई क्रेट में जाना है और आपको सिंपली ये वाला सप्लाई क्रेट को यहाँ से इक्विप कर लेना है, देन मैच में आना है और भाई सिंपली अपने एनिमी के हाथ से किल हो जाओ, देन रिवाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अब बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली अपना इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ करना है एंड इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करने के बाद में नीचे जाने से पहले भाई आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन फिर से ऑन करना है। एंड बस अब मैं नीचे आने वाला हूं तो अपने इंटरनेट कनेक्शन को कर लेता हूं ऑन। एंड जैसे तुम लैंड हो जाते हो अपनी गन का सिंपली स्कोप ओपन करना है एंड 1-2 फायरिंग करनी है एंड वेट करना है जब तक कि नॉर्मल पिंग नहीं आ जाता। एंड भाई देखो जैसे नॉर्मल पिंग आएगा जो ये ट्रिक है भाई ये हो जाएगा, मतलब आप पैराशूट के अंदर अदृश्य हो जाओगे और काफी अजीबी तरीके से आप लैंड कर पाओगे। एंड या इसी बात के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो जल्दी से। ट्रिक नंबर 8, भाई मेरा फेवरेट ट्रिक है एंड काफी मस्त ट्रिक होने वाला है। तो सिंपली ट्रिक को ट्राई करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाओ एंड इस ब्रिज के पास आना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैठ जाना है, देन आपको अपना सर्फबोर्ड ऑन करना है। सर्फबोर्ड ऑन करने के बाद में जो आई बटन है उसका यूज करना है। अब आपको पहले बूस्ट दबाना है, देन उसके बाद में सर्फबोर्ड ऑन करना है और भाई फिर रन बटन पे क्लिक करना है। देखो बूस्ट दबाया, सर्फबोर्ड ऑफ करा और रन बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो भाई देखो आप कुछ इस तरीके से चल पाओगे, मतलब भाई ऐसा लग रहा है जैसे जमीन में मुंह देके चल रहा है। एंड भाई इस ट्रिक का यूज करके आप पानी के अंदर जाते हो तो एक बहुत ही कमाल का मैजिक दिखता है आपको। तो देखो भाई ध्यान से देखो, अभी मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर एंड अभी देखो भाई मैं किस तरीके से तैर पा रहा हूँ। मतलब अगर आप नॉर्मल तरीके से तैरते हो तो कुछ इस तरीके से तैरते हो, बट इस ट्रिक का यूज करके आप कुछ इस तरीके से तैर पाओगे यार, मस्त ट्रिक है। सो इसी ट्रिक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ट्रिक नंबर 7, भाई काफी खतरनाक ट्रिक है। तो सिंपली आपको पीक के पास ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, यहाँ पर एक मिनी लॉन्च पैड को आपको सेट करना है, देन यूज करना है और इस पेड़ के ऊपर कुछ इस तरीके से लॉन्च पैड को सेट कर दो। देन जैसे यूज करोगे तो भाई आप सीधा जाने के बजाय एकदम रोटेशन मार के अलग ही जगह पे आ जाओगे। मतलब कि भाई आप पहले सीधा जा रहे थे, पेड़ के टकराओगे और भाई आप सीधा अलग ही जगह पे, मतलब साइड में आ जाओगे यार। ट्रिक नंबर 6, काफी मस्त ट्रिक है भाई। तो सिंपली इस ट्रिक को ट्राई करने के लिए सबसे पहले तुम्हें कैरेक्टर सेक्शन में आना है और यहाँ पर जो मिगुल कैरेक्टर है इसे इक्विप कर लेना है, देन ट्रेनिंग ग्राउंड में रिंग के अंदर चले जाओ और भाई एक एनिमी को किल कर दो। जो मिगुल कैरेक्टर है ये आपको 200 EP दे देगा। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली ओरियन कैरेक्टर है प्लस जो सर्फबोर्ड है दोनों को भाई एक साथ ही प्रेस करो एंड देन अपने इंटरनेट को ऑफ कर दो। फिर आप देखोगे कि भाई आप सर्फबोर्ड के ऊपर हो और बिल्कुल अदृश्य हो चुके हो एंड कुछ इस तरीके से ऐसा लगेगा जैसे आप कोई मूवी की शूटिंग कर रहे हो एंड काफी मस्त ट्रिक है, ट्राई जरूर से करना। ट्रिक नंबर 5, अगर भाई आप अकेले फ्री फायर खेलते हो तो ये ट्रिक आपके लिए मस्त होने वाला है। तो सिंपली आपको पीक के नीचे इस वाली लोकेशन पे आ जाना है, मिनी लॉन्च पैड यहाँ पर सेट करना है, देन इसे यूज करना है, रोटेट करो और बस भाई अब लीव प्लस जो मोबाइल का मिनिमाइज बटन होता है दोनों को एक साथ प्रेस करो, देन गेम में वापस आओ एंड यू कैन सी भाई तुम सीधा इस पहाड़ के अंदर आ जाओगे एंड इसके अंदर आके साथ में तुम रैंक पुश तो कर ही सकते हो एंड भाई तुम एनिमी को भी मार सकते हो। ट्रिक नंबर 4, भाई इस ट्रिक में ओरियन कैरेक्टर के 2 ऐसे बग्स बताऊंगा जिसे देख के तुम्हारा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो फर्स्ट बग को ट्राई करने के लिए तुम्हें जिप लाइन पे आ जाना है, ओरियन प्लस जो जिप लाइन है दोनों को एक साथ प्रेस करना है एंड भाई तुम देखोगे जिप लाइन पे ओरियन कैरेक्टर को यूज कर पाओगे। ओके, सेकंड बग को ट्राई करने के लिए भी सिंपली तुम्हें जिप लाइन पे आना है, ओरियन प्लस जिप लाइन का ऑप्शन है दोनों को एक साथ प्रेस करो, देन अपने इंटरनेट ऑफ कर दो एंड तुम देखोगे कि भाई तुम्हारा जो ओरियन कैरेक्टर है वो बिल्कुल इनविजिबल हो चुका है। ट्रिक नंबर 3, ये ट्रिक होने वाला है क्लैश स्क्वाड का। तो सिंपली यहाँ पर तुम्हें एक फ्लैश फ्रीज करके कुछ आइटम दिखेगा, इसे बोलना है अपने फ्रेंड को बाय करने के लिए, देन जैसे तुम्हारा फ्रेंड उसे थ्रो करता है तुम्हें सिंपली अपना इंटरनेट ऑफ करना है एंड देखो भाई तुम कुछ इस तरीके से उसे लावा रिसो की तरफ पड़ा हुआ पाओगे। ट्रिक नंबर 2, भाई ये वाला ट्रिक होने वाला हमारा ग्रेवयार्ड का एंड काफी मस्त ट्रिक है। तो सबसे पहले तुम्हें इस वाले घर के बिल्कुल टॉप पे आ जाना है, ऊपर आने के बाद में भाई तुम इसके जस्ट इधर साइड में आओ एंड यहाँ पर आपको एक दीवार दिखेगी, बट भाई ये दीवार नहीं है, इसके आर पार आप जा सकते हो, मतलब OV40 अपडेट के बाद इसके आर पार आप जा सकते हो, ये दीवार दिखेगी बट ये किसी काम की नहीं है। ओके, अब आते हैं हम हमारी ट्रिक नंबर 1 पे, काफी मस्त ट्रिक है। तो सिंपली इस ट्रिक को ट्राई करने के लिए तुम्हारे पास एक गन होना चाहिए और एक बाइक होनी चाहिए, देन ड्राइव बटन प्लस ये गन स्विच का बटन दोनों पे भाई एक साथ ही प्रेस करो एंड बस अब तुम बस गौर करके देखो भाई, मतलब नॉर्मल तुम हैंडल पकड़ के बैठते हो बाइक पे, बट इस ट्रिक का यूज करके भाई तुम हाथ को
उसको बीच में रख के गाड़ी को चला सकते हो। काफी मस्त ट्रिक है। और अगर आपको इससे भी मस्त ट्रिक का वीडियो देखना है तो इधर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो एंड बहुत ही मस्त ट्रिक है भाई उस वीडियो में, तो जाके देख लो। वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दो, कमेंट भी कर दो।